इस बार राम मंदिर के स्थापना के बाद पहला पर्व है ये रामनवमी। बहुत ही भीड़ के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू भाई मिल के एकता के साथ ऊंच नीच जाति पाति से हट के ये मना रहे हैं, और हम चाहेंगे कि निरंतर ऐसे ही एकता के साथ मनाते रहें। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर के आज सिवान में व्यापक तरीके से शोभा यात्रा निकला हुआ है, जिसमें बता दें कि लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी युवा चर्चित समाज सेवी जीवन यादव भी आज शामिल हुए हैं। देखिए तमाम तस्वीरें अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि युवा समाज सेवी भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। चलिए बात करेंगे इनसे हम कि जो आज रंग है, भगवा रंग जो है, कहा जाए तो पूरा सिवान डूबा हुआ है, और क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जीवन यादव, आप भी शोभा यात्रा में आज शामिल हुए हैं। बहुत ही सुखद महसूस हो रहा है, आज का कुछ रंग ही अलग है, पूरा सिवान भगवामय हो गया है। सनातन धर्म का ये पर्व है, ये पर्व कई वर्षों से निगत मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार राम मंदिर के स्थापना के बाद पहला पर्व है ये रामनवमी। बहुत ही भीड़ के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और इस बार खास भी देखा जा रहा है, आचार संहिता लागू भी है। आचार संहिता लागू, अच्छी बात है, लोग अपना स्नेह और भक्ति का आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का ये रीति रिवाज एकता का प्रतीक भी है। सभी हिंदू भाई मिल के एकता के साथ ऊंच नीच जाति पाति से हट के ये मना रहे हैं, और हम चाहेंगे कि निरंतर ऐसे ही एकता के साथ मनाते रहें। आपके तरफ से आज देखा गया कि शहर में हर एक जगह स्टोर लगा करके पानी की बोतल का भी व्यवस्था किया गया, जूस का भी व्यवस्था किया गया। जी, प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, हर साल करते हैं, इस बार भी किए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं, और हर कोई राम भक्त है, हम भी राम भक्त हैं, इसलिए हम भी अपने तरफ से जो हो सके वो प्रसाद के रूप में वितरण कर रहे हैं। चलिए देख सकते हैं युवा समाज से भी चर्चित जीवन यादव, जो लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, आज शहर में इनका भी जो टीम है वे हर एक तरह से लगी हुई है। बहरहाल खबरों से आप बने रहें।